कानून का खेल है हमने देखा, लेकिन 2 अप्रैल को जो हुआ, आज इस मंच पे हम खड़े होकर उसका निंदा और खंडन करते हैं। जब पूरे दलित स्वतः स्फूर्त तरीके से सड़कों पर उतर के उस सुप्रीम कोर्ट का जगत गलत जजमेंट का विरोध किया, तब मेरे प्रिय साथियों, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार ने जातिवादी हिंदुत्व, मनोवादी हिंदुत्व की बचाव में उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करके फायरिंग की और कितने हमारे दलित नौजवान शहीद हुए। आज हम इस मंच पर ये कहना चाहते हैं, उनकी शहादत कभी व्यर्थ नहीं होगा। आज देश भर में जब मजदूर वर्ग की एकता की हम बात करते हैं, उन दलित शहीद जो 2 अप्रैल को अधिकार के लिए लड़ रहे थे, वो जो शहीद हुए, आज हम इस मंच से उनको भी याद करते हैं। आज इस मंच से हम मांग करते हैं, जो हजारों की तादाद में झूठे मुकदमे लगाकर लोगों को जेल में भेजा, आज हम इस मंच से मांग करते हैं, वो झूठे केस वापस लो, सबको रिहा करो और ये दमन बंद करो, आज ये भी हम मांग करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मई दिवस के इस मजदूर वर्ग की इस शुभ दिन संघर्षों इस प्रतीक के समय मैं आप सबको, हमारी पार्टी की ओर से मैं आप सबको बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो एकता है, लाल झंडा और नीला झंडा, जो हमारी एकता संघर्षों में बन रहा है, उस एकता को और मजबूत करके और हम आगे बढ़े। ये जो झंडा है, लाल भी है, नीला भी है, सितारा भी चमक रहा है, वही एकता के आधार पर देश भर में सामाजिक न्याय के लिए, शोषण के खिलाफ एक होकर हम लड़ेंगे। मैं आप सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।